ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈಷ್ಟದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ ಮಹಾಬಲನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತುಷೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನವಂಧುಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೀಸಹವಿಗತಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿತೆ. ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ದೇವೈ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜದೇವೇ ಸತ್ಯವತೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮರಿ ಗುರುಪಾದ ಜನ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಉಪಸ್ಥಿತ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಸಭೀ ಕೋ ಮೇ ಜಥಾಜಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗತ ಕಲ್ಲೆ ಹಮ್ ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಕರ ರಹೇ ಥೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಯೇ ಬತಾ ರಹೇ ಥೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಸೆ ಬಡಿ ಮಿಠಿ ಮಿಠಿ ಬಡಿ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಲೀಲಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಜವಾಸಿಯೋ ಕೋ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮೇ ಡುಬೋ ಕರ್ಕೆ ರಖತೆ ಥೆ. ಕತೆ ಚತುರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ ಬರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನಮೋಕ್ಷಾವತಿ ಮಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವರದಾನ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಆಪ್. ಶಂಕರ್ ಜಿ ಕಾ ವರ ಮಾಂಗೋ ಉಸ್ಕಾ ಭೀ ವೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೈ. ಜಿಸ್ ಸಮಯ ಖಟ್ಟಾಂಗ ಮಹಾರಾಜ ನೇ ಸಾರೇ ದೇವತಾ ಕೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ ದಿಯಾ, ಸಾರೇ ದೇವತಾ 33 ಕರೋಡ ದೇವತಾ ಕೋ ಉನ್ಹೇ ಖುಷ್ ಕರ ದಿಯಾ. ಅಭಿ ಸಾರೇ ದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಗಯೇ, ಕ್ಯೋ ಉನ್ಹೇ ಇನ್ಕೋ ಸೇನಾಪತಿ ಪದ ಮೇ ನಿಯುಕ್ತ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ದೈತ್ಯ ಕೋ ಸಾಥ ಮೇ ಲಡಾಯಿ ಕೀ ಔರ್ ಉನ್ಹೇ ಸಾರೇ ದೈತ್ಯೋ ಕೋ ಪರಾಸ್ತ ಕರ ದಿಯಾ. 33 ಕರೋಡ ದೇವತಾ ಖುಷ್ ಹೋ, ಬೋಲೋ ಕ್ಯಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ. तो उन्होंने बोले हमें तो ये दुनिया की कोई चीज़ चाहिए नहीं, क्योंकि स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत ये सब नश्वर है, एक दिन खत्म होने वाले. अगर देना चाहते हो ना हमें मोक्ष दो, हमें मोक्ष दो, जन्म मृत्यु का चक्कर से निकाल दो. बोले हम नहीं दे सकते, ये चीज़ हम नहीं दे सकते. बोले फिर कौन दे सकता है? बोले मोक्ष तो केवल मुकुंद ही दे सकता है, कृष्ण ही दे सकते और कोई नहीं दे सकते. इसलिए ಜಿತನೆ ಸಾರಿ ವರದಾನ ದಾತಾ ಮೇ ಆಪ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವರದಾತಾ ಹೈ. ಜೊ ಚೀಜ ನಾರಾಯಣ ಶಂಕರ ಭೀ ನಹೀ ದೇ ಸಕತೇ, ಜೊ ಚೀಜ ನಾರಾಯಣ ಭೀ ನಹೀ ದೇ ಸಕತೇ, ಜೊ ಚೀಜ ರಾಮ ಭೀ ನಹೀ ದೇ ಸಕತೇ, ವೋ ಚೀಜ ಕೋ ಕೌನ್ ದೇ ಸಕತೇ? ಬೋಲೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇ ಸಕತೇ.
इसलिए कृष्ण को क्या बताए, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है ना ये कृष्ण है। बोले स्वयं भगवान मतलब कि क्या होता है, बोले अनन्य पेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम सवृष्टते है। स्वयं रूप उनको कहते हैं जो और किसी को पर निर्भर नहीं करता है, जो परिपूर्ण। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक संख्या एक, देखना एक बोलो तो और किसी संख्या का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलो एक एक मिलकर के तब दो होगा, और किसी संख्या को तीन बोलो तो एक तीन ही होगा, तो एक 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 करके तीन ही होगा। चार ही बोलो दो दो मिलकर चार होगा, नहीं तो तीन एक मिलकर चार ही होगा। इसलिए ये सब जितने संख्या है वो सब के सब किसका मदद लेते हैं, लेकिन जो एक बोलो ना ये किसी संख्या को ये मदद नहीं लेता, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। जैसे आ आ ई ओ री नी ए आई व औ, इनको श्री जीव गोस्वामी इनको सर्वेश्वर बताया, जब उन्होंने नाम दिया ना ये सर्वेश्वर है। लेकिन जब का बोलोगे ना, जब तक आ नहीं होगा का उच्चारण नहीं होगा, वो किसका अ का मदद लेता है, ख ग घ वा च छ, देखना ये दूसरों का आ अक्षर का ये मदद लेता है। लेकिन जब आ बोलो ये और किसका मदद नहीं मिला, स्वयं उच्चारण होता है। ई बोलो ऊ बोलो वो और किसी अक्षर को ये मदद नहीं लेता है, ये पूर्ण है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी इसको सर्वेश्वर बताया, इसलिए कहते हैं ना तुम्ही सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार के छाये सर्वश्रेष्ठ वरदाता, इनसे जो मांगोगे वे वो दे सकते हैं, हैं? इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मिर हास मुरली मनोहर राधिका कृपा निधे सुप्रिया चरण किंकर। अगर कृष्ण को कोई वर मांगो ना, बोले हे श्याम सुंदर अगर आप हमारे ऊपर संतुष्ट हो तो क्या क्या चाहते हो, बोले आपका जो प्रिया श्रीमती राधा रानी उनके चरण के हमें चेली बना दो, उनके चरण के हमें दासी बना दो। इसलिए कहते हैं हे प्रभु हे देव, देव मतलब दुद्यमान सब सर्वश्रेष्ठ जो प्रकाश है, इसलिए ब्रह्म देव मक्षम नमक श्यावीवा। कहते भैया तुम इतने सारे बात बता रहे हो, बताओ तुमको चाहिए क्या, बताओ है क्या चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए तुम्हें। बोले प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए श्री वित्रासुर जब भगवान बोले वित्रासुर को तो कुछ वर मांगो है, वित्रासुर को बोले वर मांगो, बोले ननाथ प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न जोगेश्वर रपो नर्वम न पुनर्भवम विरह कांक्षय। तब उन्होंने बोले स्वर्ग सारा दुनिया से ना स्वर्ग जाएगी है, जहाँ पर देख स्वर्गीय वासी मतलब मरने का बाद स्वर्ग गया, कहते ना स्वर्ग, भक्त लोग स्वर्ग को सबसे घटिया स्थान मानते हैं, कि स्वर्ग तो घटे स्थान है। इसलिए तब तक रहोगे जब तक पुण्य खत्म नहीं हो गया, धक्का मार कर फिर वहीं फिर तुम्हें फेंक दिया जाएगा है। इसलिए बोले प्रभु हमें ननाद प्रेष्टम, बोले स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मा उर्वशी मैंने कहा वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अमृत है नंदन कानन है, वहाँ पर तो बास कभी कोई मरता नहीं, वहाँ नहीं जाओगे, बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। ननाद प्रेष्टम बोले न चपारमेष्टम, अगर वहाँ नहीं जाओगे फिर तो उस ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचा स्थान है श्री पितामह ब्रह्मा। बोले क्या तू ब्रह्मा बनना चाहते हो, बोले नहीं नहीं प्रभु हम ब्रह्मा नहीं बनना चाहते, बोले ब्रह्मा नहीं, बोले नहीं
अगर नहीं तो वहां पर जितने ऐश्वर्य है ना उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य बोले कहां पर रसाद निपत्य रसातल में है जहां पर श्री प्रहलाद महाराज को जो सुतल लोक में स्थान दिया ना ऊपर लोग तो ऐश्वर्य नीचे लोग भी उससे ज्यादा ऐश्वर्य बोले भैया सुतल लोक में चले जाओ वहां पर ज्यादा ऐश्वर्य भोग पर बोले नहीं 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 बोले खैर न सार्वभौम बोले संपूर्ण पृथ्वी जाओ तेरे नाम पर सब पृथ्वी लगा फिर सब लोग भारत के लिए कितने बात के लिए प्राइम मिनिस्टर कितने कितने लड़ाई और संपूर्ण पृथ्वी का कोई संपूर्ण पृथ्वी का कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है बोले संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे नाम पर संपूर्ण पृथ्वी तुमको दे देता हूँ चाहिए बोले नहीं 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 बोले अगर ये नहीं चाहिए बोले रो योग सिद्धि बोले तुमको योग सिद्धि दे देते योग सिद्धि क्या है बोले अनिमा लक्ष्मा प्राप्त प्राकाम्य अष्ट निधि अष्ट सिद्धि और नवनिधि जानते हो अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या होता है जैसे यहाँ बैठे हो यहाँ पर बैठे हो सारा पृथ्वी में क्या हो रही ना आंख बंद कर सब बता सकते अगर सूर्य लोक की जाने की इच्छा हो प्लेन की जरूरत नहीं सूर्य रश्मि देकर चले जाओगे स्वर्ग में जाने की इच्छा बैठ बैठे वहां चले जाओगे स्वर्ग में जो अमृत पीते हैं उसको इच्छा अपने पास में आ जाएगी जैसे सौभर ऋषि है ना जब मांधाता की बेटी 50 कन्या थी एक से एक सुंदरी जब मांधाता बोले एक बेटी दे दो न किए सौभर ऋषि मांधाता जी को बोले हमें एक बेटी दे दो शादी करूंगा उसने देखा मेरी एक एक कन्या कितने सुंदरी है कितने सुंदर राजकुमारी और इसका शरीर में हड्डी हड्डी और कुछ है नहीं बुढ़ा हो गया हड्डी हड्डी इसको कौन पसंद करेगा है इसको कौन पसंद करेगा तो राजा घुमा फिरा करके बोल दिया देखो हमारी यहाँ के नियम है स्वयंवर होता है वो लड़की अपना मन मर्जी पति चुनता है ये हमारे स्वयंवर की एक व्यवस्था है क्योंकि उन्होंने बात को घुमा दिए वो समझ गया कहते मेरे शरीर में हड्डी हड्डी है ना इसलिए बुढ़ा जैसे हो गया अभी तो मेरे कोई पसंद नहीं करेगा राजा बात घुमा रहा है ये राजा बात को घुमा रहा उसने इतने सुंदर रूप धारण किया इतने सुंदर रूप धारण किया वो 50 कन्या में लड़ाई शुरू वो किसी कोई कहती है मैं शादी करूंगी बोले तू सोचने से पहले मैं अपना मन में उसको पति बना चुका था उसने कहा तेरे सोचने से पहले मैं अभी 50 कन्या में लड़ाई शुरू हो गया देखो ये योग सिद्धि का क्या प्रभाव बोले सब शादी करना चाहता बोले हाँ बोले चिंता मत करो उनने 50 रूप धारण किया 50 रूप उसने धारण कर लिया और 50 राजमहल बनाया जिस समय मांधाता देखने के लिए गया बोले मेरे सारे कन्या को ले गया ये क्या करता है मेरी कन्या खा पी रहे कि नहीं ठीक से जब किसी रूम में जब एक लड़की को घर में गया ना ये मांधाता पृथ्वी का राजा लेकिन इसकी घर में जो राज भोग सुख नहीं था देखा उसको घर में समझ राजा कभी जो चीज देखा ही नहीं जिस लड़की को पूछा तुम ठीक ठाक हो बोले पिताजी हम इतने खुश ये कभी मेरे को छोड़ करके जाता ही नहीं कभी है हर समय मेरे पास में जब दूसरी बेटी को वही तीसरी बेटी 50 करने एक ही बात कह रही कहती ये सब योग सिद्धि प्रभाव है हाँ जैसे चाहोगे रसगुल्ला लेडी की चमचम राबड़ी जो खाना चाहोगे और जैसे पहनना चाहोगे जैसे रहना चाहोगे ना जो मांगोगे तुम्हें वही मिला बोले किसी को ले लोगे जैसे जो चीज चाहिए बोले नहीं 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 है बोले ये नहीं चाहिए बोले ना फिर तुम एक काम करो मोक्ष ले लो क्या ले लो मोक्ष मोक्ष मतलब क्या जहाँ जाने से जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगा दुख कष्ट नहीं होगा फिर ये संसार में नहीं आए सारा दुनिया कहते ना हमें मोक्ष दे दो है इसलिए धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ काम त्री वर्गों को जो तुच्छ कर देता है यदि ये मोक्ष है जिनको ये तुच्छ कर देता है मोक्ष है त्री वर्ग से ऊपर में ये मोक्ष ले लो बस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा मृत्यु नहीं होगा फिर आओगे नहीं बस आनंद आनंद बोले नहीं नहीं मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए बोले भैया सारा दुनिया कहते हमें मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए बोले नहीं मुक्ति नहीं चाहिए बोले मुक्ति क्यों नहीं चाहिए
मतलब जो मुक्ति में, देखो मुक्ति में क्या होता है, उसमें चार पांच तरह का मुक्ति बताया। कितना तरह का मुक्ति है? पांच तरह का मुक्ति। क्या क्या पांच तरह का मुक्ति? कौन बोले रहा था? बोलो कौन बोले? कोई प्रश्न पूछो ना, सब चुप हो जाते। सबसे पुराना जो है हमारे स्वप्ना दीदी, वही बोले बताओ पांच तरह का मुक्ति क्या है, उसको याद होगी। बोलो माता जी बता रही है। बोलो अच्छी बात, मेरे पास हो गई, कुछ नब्ज बोल दिया है। इसलिए कहते भैया तुमको जो पांच तरह का मुक्ति है, सालोक का मतलब भगवान के लोक में रहना, साष्टी मतलब भगवान के बराबर ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सारूप्य मतलब ठाकुर जी को पास में रहना, और सालोक साष्टी सामीप्य, और सामीप्य मतलब एकदम निकट, ठाकुर जी की एकदम निकट में रहना, और एक होता है साजुज्य। साजुज्य मतलब होता है उसी ब्रह्म ज्योति में जो लोग चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब तक इस जगत में रहोगे तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोग करते रहोगे। अगर ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो गया ना, बस जगत में तुम्हें लेना, जन्म ही लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते भैया वो मुक्ति ले लो। कहते हमें वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? कारण क्या? बोले कारण है उसमें जन्म तो नहीं होगा, मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन जो आनंद है ना, ये आनंद नहीं। जैसे एक व्यक्ति मत शराब पी करके, जो व्यक्ति शराब पी करके पड़ा रहता है उसको कोई सहन से नहीं रहती, उसको कोई सहन ऐसे ही वहां पर अचेत होकर पड़े, पत्थर जैसे निष्क्रिय होकर के पड़े रहते हैं, निष्क्रिय होकर के, इसलिए वहां आनंद नहीं। इसलिए भक्त लोग क्या लेना चाहते, आनंद लेना चाहते। इसलिए मान बिना गृहती मत सेवक मत सेवन बिना। अगर मैं किसको बोलू भैया मुक्ति ले लो, भगवान कहते में देने पर भी भक्त लोग मेरी मुक्ति नहीं चाहते, नहीं चाहते। देखो मुक्ति कैसे उदाहरण दिया है, जैसे एक चिट्ठी गुड़ खाने के लिए गया, लेकिन गुड़ पतला है। जब वो चिट्ठी गुड़ खा रहा था, इतने में क्या हुआ, गुड़ में लपट गया, पूरा का पूरा गुड़ में मिल गया, गुड़ में मिल गया। चिट्ठी कब गुड़ का आस्वादन करेगा? जब उससे अलग रहेगा तभी तो गुड़ का आस्वादन करेगा ना। अगर ये गुड़ में ही मिल गया तो गया। जैसे तुम्हारी सर में एक फोड़ा हो गई, एक फोड़ा हो गई तो किसी एक डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब फोड़ा है, बड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई नड़ेगा बांस और नल बजेगी बांस। किसलिए दर्द हो रहा है? सर, इसलिए ना सर ही काट दो, बांस खत्म, फोड़ा फोड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने और एक डॉक्टर के पास में गया, हैं, बोले भैया सर में फोड़ा हो गया। बोले चिंता मत करो, ऑपरेशन कर देता हूँ, थोड़ी सी तक लगेगा, ऑपरेशन कर देता हूँ और दवा दे देता हूँ, एक दो दिन में सही हो जाएगा। अब बताओ दोनों डॉक्टर में कौन सा सही डॉक्टर कौन है? बोलो, जो सही दवा दे करके बैंडेज करके जो सही कर देगा। अब जो कहता नहीं सही काट दो, सही काट दो, नरेगा बात सर नरेगी, वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है। हाँ, यही चीज को समझो। जो मुक्ति है, जो साजु जो मुक्ति, जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाना चाहते हैं, मतलब वो ब्रह्म ज्योति में लीन होकर क्या होगा, बात जन्म तो नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। जैसे कि व्यक्ति को सुई चाहिए, जैसे गला ही काट दिया उसको, जैसे गला काट दिया है। इसलिए भक्त लोग ये नहीं चाहते था, हम संसार में आए क्यों? इसलिए संसार में आए क्योंकि हमने भगवान को बोल दिया। इसलिए माया की ये कारागार में आकर के दुख कष्ट भोग करते हैं। अगर ठाकुर को फिर भजन करो, बस ठाकुर को भजन करोगे, माफी मांग लोगे, ठाकुर क्या करेंगे, फिर अपना चरण में स्थान दे देंगे। ठाकुर को सेवा करो, भक्ति करो, नाम करो, कीर्तन करो, आनंद में रहो, उसमें आनंद में रहो। इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले प्रभु हमें
मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष जैसे गंध चाहिए ना, वो तक सुइसाइड है, एक सुइसाइड है। इसलिए श्री रामानुज जो आचार्य कहते हैं, देखो ये चीज समझो अच्छे तरह से, बीच में हम खड़े हैं, बीच में हम खड़े हैं, एक तरफ से एक शेर आ रहा है, दूसरे तरफ में जो भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति और लास्ट में उसी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, एक तरफ में वो एक साधु आ रहा है और एक तरफ में से हम बीच में खड़े हैं, किस तरफ जाओ? बोला किस तरफ में जाओगे? तो जो से है ना, इसका तरफ में चले जाएंगे, लेकिन जो भगवान को निराकार निर्विश्व ऐसे ब्रह्म ज्योति कहता है, उस तरफ में हम नहीं जाएंगे, मना कर देते हैं। रामानुज आचार्य बोले क्यों? बोले इसका अगर तुम्हारी संग हो गया ना, ये साधु का, तुम्हारे जीवन सत्यानाश हो गया, तुम्हारे जीवन सत्यानाश हो गया ऐसे साधु का अगर चक्कर में पड़े गए तो, जो भगवान को निराकार निर्विशेष। इसलिए इसको सबसे ज्यादा जो अपराधी, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे को जो निराकार निर्विशेष ज्योति कहते हैं, इनसे बड़ा अपराधी पापी जगत में कोई पाखंड नहीं। मेरे जिस स्वरूप के द्वारा मैंने इतने सुंदर हमने लीला की, गिरिराज उठाया, रास रचाया, भक्तों के साथ में इतने सुंदर लीला की, कहते इनका रूप ही नहीं है, वो निराकार है। ये भी जब इनका जब मुक्ति हो जाएगा ना राम और कृष्ण की, ये भी जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, उनको भी भगवान को भी ऐसे कहने वाले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये अपराधी व्यक्ति है, खबरदार इनकी संग मत किया करो, जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति कहते हैं। जिधर शेर है ना, उस शेर का तरफ में मैं जाऊंगा, क्यों? शेर खाएगा तो तुम्हारी एक जन्म ही नष्ट होगा, अगले जीवन में फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा तो फिर क्या होगा? भक्तों का संग मिलेगा, फिर तुम्हें भक्ति प्रेम मिलने वाले, लेकिन अगर ये व्यक्ति को साथ में मिल गया तो तुम्हारी जीवन चौपट हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहते बोले प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए। कहते मोक्षावधि, मोक्षावधि मतलब क्या है? मुक्ति का जो अंतिम सीमा, बोले अंतिम सीमा क्या है? बोले उसमें दो तरह का सुख पता है, एक सुख ऐश्वर्य तरह और एक है कहते प्रेम ऐश्वर्य तरह, ये दो तरह का ये मुक्ति बताए। कहते जो सुख ऐश्वर्य तरह मतलब होता है जो व्यक्ति ये ब्रह्म में डूब जाना चाहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, ये क्या है? बोले सुख ऐश्वर्य तरह। बोले भैया तो ब्रह्म में डूबना क्यों चाहते हो? क्यों ब्रह्म में डूबना चाहते हो? बोले जब तक संसार में रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु दुख कष्ट होगा, इसलिए क्या करो पास ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तार मध्य मुख्य वाचा कैतव प्रधान जहा हरित कृष्ण भक्ति हरियाण, इस चीज को अच्छा कर समझो, दिमाग लगा कर समझो। इसलिए कहते हैं इसको ये कपट मानी गई। बोले ये बड़े कपटी आदमी है। बोले क्यों? बोले तुम है कौन? बोले जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य का, ये चीज को अच्छा तरह समझो, है अच्छा तरह समझो। हम लोग कौन है? बोले भगवान के नित्य दास है, ठाकुर का नित्य संतान है। इसलिए हमारे धर्म क्या है ठाकुर जी की? चौक आंख बंद मत हुई करो, फिर आंख आंख खोल कर कथा सुननी चाहिए मछली जैसे, इसे अच्छे तरह समझो। इसलिए कहते हम भगवान की नित्य सेवक नित्य दास, तुम्हारी क्या कर्तव्य? बोले उनकी सेवा करना हमारे कर्तव्य, उनकी सेवा करना कर्तव्य, लेकिन तुम क्या चाहते हो? ठाकुर को सेवा नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? चूंकि संसार में हम दुख कष्ट वो कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? बस लास्ट में ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, जन्म नहीं होगा मृत्यु। बोले ठाकुर को क्या बोले? ठाकुर बाद में जाते, लेकिन भक्तों का भावना किया। बोले प्रभु तुम हमें जितने दुख कष्ट में क्यों नहीं रखे? राधा रानी कहती है आश्लिष्य वापाद रता विनष्टम मा मर्म हता कर्तवा जथा तथा में विद धातु लंपटम वत प्राणनाथस्तु सर्वनाम पर। राधा रानी कहती मेरे अपना प्यार में कुचल डालो, जितना कष्ट देना जो कुछ देना दे दो, लेकिन हे श्याम सुंदर, लेकिन तुम तो मेरे प्राण प्यारे हो, तुम तो मेरे हृदय के सर्वस्व हो, आप तो मेरे जीवन का सब कुछ आप ही हो, इसलिए प्रभु आप जितने दुख कष्ट में क्यों नहीं रखे? जैसे तुम्हारी चरण की सेवा नहीं छूटे, तुम्हारी चरण की हमें सेवा नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हारी सेवा
हम कर कर ये भक्तों की ये भावना है। लेकिन जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो भगवान की सेवा विवाह से कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी की सेवा विवाह से कोई मतलब किसमें अपना स्वार्थ में। इसलिए बोले तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रदान जा है ते कृष्ण भक्ति हाय अंतर ध्यान। इसलिए वो सबसे बड़ा कपटी व्यक्ति जो ये मुक्ति चाहते हैं, बोले क्यों जा है ते कृष्ण भक्ति हाय अंतर ध्यान, जिसको द्वारा कृष्ण भक्ति चिरकाल के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, क्या चाहता है? इसलिए कहते हैं ये सुख ऐश्वर्य तरह और एक है प्रेम ऐश्वर्य तरह। बोले प्रेम ऐश्वर्य तरह क्या है? कहते और जो चार तरह का जो मुक्ति है, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, शास्त्री भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सामिप्य भगवान की निकट में रहे, हाँ सालोक्य शास्त्री सालोक्य और सामिप्य उनका जैसे रूप वैकुंठ में जितने सब भक्त है ना देखोगे सबके सब चाहे सबके सब चाहे हैं। कहते भैया ये मुक्ति को लेकर ये भक्त कभी कभी ये मुक्ति को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि इसमें दोष नहीं, लेकिन नहीं होने पर भी, लेकिन जो ब्रज भक्त है ना, जो लोग ब्रज भक्त कृष्ण के भक्त बोले प्रभु हमें ये मुक्ति करने नहीं चाहिए हैं, ये मोक्षावधि मोक्ष का जो अवधि बोले ये मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। बोले फिर तुम चाहते हो क्या चाहते हो? कहते हैं कहते प्रभु हम केवल एक ही वस्तु चाहते हैं। यहाँ तक भी कहते जो नव विद्या जो भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम, बोले प्रभु यहाँ तक भी इसको भी हम नहीं चाहते हैं, हाँ यहाँ तक हम नहीं चाहते, बोले चाहते क्या? बोले केवल एक चीज चाहता है, आपका जो बाल गोपाल जो स्वरूप है ना, आपकी जो बाल गोपाल जो स्वरूप है हर समय उसी रूप का हम दर्शन करते रहे, मतलब हमें ब्रज भक्ति चाहिए है, आपकी बाल गोपाल का स्वरूप ही हमें चाहिए, आपका रूप का दर्शन करते रहिए बस उसी रूप में हम संपूर्ण रूप में उसी रूप में हम डूब जाए, हमें केवल यही चीज चाहिए। यहाँ पर उन्होंने वात्सल्य रस को यहाँ पर प्रार्थना की है, मतलब माँ जशोदा जैसे बारंबार कृष्ण के मुख को चुंबन करती हैं, उनको प्यार करती हैं, लाल लड़ाती हैं, मक्खन खिलाती हैं, डांटती हैं, डपटती हैं, कहते प्रभु हमें वो बाल गोपाल स्वरूप हमें चाहिए और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं। इसकी व्याख्या हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने बहुत सारे श्लोक को वहाँ पर उद्धृत किया, श्लोकों को उद्धृत करते हुए कि बाल गोपाल स्वरूप में है क्या जी, मैया जशोदा ये बाल गोपाल स्वरूप को क्यों दर्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे 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 थे, उन्होंने श्लोक को उठा करके उन्होंने अच्छे अच्छे उन्होंने बात बताए। बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग व्रत चीत उच्चरोधी, उसमें बताए जब भगवान के हम नाम जप करते हैं बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रूप चंद्राम सुखित नाम, क्या करो नाम उनका नाम को क्या करो रूप चरित्र आदि सुकीर्तनान, भगवान का नाम उनका रूप उनके चरित्र क्या करो सुकीर्तनान, अच्छे तरह से भगवान के नाम कीर्तन करो। अरे जाता अनुराग जब ये हरिनाम करेंगे ना, पहले हरिनाम तो मधुर मीठा है लेकिन पहले तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, क्यों जन्म जन्मांतर का भाई अपराध अपराध वजह से नाम मीठा नहीं लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं नाम को जप करते रहो, करते करते क्या होगा धीरे धीरे नाम का तुम्हारे अनुराग आएगा, फिर अनुराग जब आएगा अनुराग आने पर तुम्हारे हृदय एकदम द्रवीभूत हो जाएगा, तुम्हारे हृदय द्रवीभूत हो बस नाम लेते आंखों से आंसू की झरी बहना शुरू हो जाएगी,
तुम्हारे शरीर के जो रोंगटे खड़े हो जाएगी, हृदय गदगद हो जाए है। इसलिए भागवत में बताए, अगर ठाकुर का नाम लेकर के तुम्हारे हृदय गदगद नहीं हो रहे, आंखों से आंसू नहीं बह रहे, क्या समझनी चाहिए? हमारी अपराध है, कहीं हमारी अपराध है। इसलिए नाम लेने का यही फल है, नैनम गलदस्तु धारया बदनम गदगद हृदय गिरा पुल्लक निशितम बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्य। महाप्रभु कहते प्रभु कब ऐसे दिन आएगा तेरा नाम लेते आंखों के आंसू की झरी बहने लग जाए है, कंठ रुद्ध हो जाए। इसलिए जब ये हरि नाम करेंगे तो क्या होगा, मतलब धीरे 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 हृदय द्रवीभूत जब होगा ना, तभी हृदय द्रवीभूत होगा जो सारे अपराध दूर हो जाए है, अपराध दूर हो जाए। अरे दुर्त चीत उच्च है, फिर तो दुर्त चीत उच्च हसत्य था। उस समय में जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, टीवी में सीरियल देखते हैं, ऐसे हृदय में भगवान की लीला की सीरियल हृदय में उतरने लग जाएगा। बोले क्या लीला, तब विश्वनाथ को कहते हैं, बोले एक समय कृष्ण रोज रोज गोपियों के घर में मक्खन चोरी करने जाते हैं। अरे गोपिया रोज रोज शिकायत करते, तेरे लाला हमारे घर में बटकी फोड़ी, दूध खाए, दही पी। मैया बोलती मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरे जिस घर में कमी होगा ना वो तो किसी दूसरे घर में जाएंगे ना, मेरे घर में तो कमी की किसी चीज है ही नहीं है, दूध दही की नदी बह रही है, तब मेरे लाला तुम्हारे घर में क्यों जाएगा? अगर रंगे हाथों से पकड़वा करके दिखा तो घर में मानूंगी, नहीं तो मैं मानने वाले नहीं। बोले ठीक है। वो गोपी मक्खन मक्खन बना करके सुंदर सुंदर मक्खन की मटकी रखती, रख करके दरगाह के कोने में छुप करके बैठ गई। जब बैठ गई कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे पीछे देखे, देखा कोई है ही नहीं। जैसे बिल्ली जैसा है ना, बिल्ली देखो, बिल्ली देखे हो, कौन कौन बिल्ली देखे हो, सब बिल्ली देखे हो, देखना बिल्ली जब चलता है ना वो सूखे पत्ते के ऊपर चलेगा तभी आवाज नहीं आई है। अभी कृष्ण धीरे 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 गए और मक्खन खाना शुरू कर दी, और वो गोपी तो बड़ी खुश हो गई, आज मक्खन बनाना हमारी सार्थकता हो गया। जब कृष्ण मक्खन खा लिए बस जाकर पकड़े, बोले कहाँ जाओगे, मैया मानती नहीं, तुम घर घर में मक्खन चोरी करते हो है, यहाँ पर तो चोर बन गए, घर में जा करके बस अच्छे बन जाते हो है, इतने चलो मैया को पास में ले चलूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही खा रहा हूँ, बोले अपना घर में खा ले, चलो मजा चखाती हूँ। बोले आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं चलना पड़ेगा, बोले तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सास की, तेरे ननद की, तेरे बिछुआ की, तेरे खसमों की पाँव पड़ता हूँ, लेकिन आज तू छोड़ दे। बोले छोड़ने वाला नहीं, चल घर भैया के पास। जब वो ला रही थी ना, जब आई नंद भवन को पास में, सामने देखा जेठ बैठा हुआ, पहले जेठ को सामने सब पर्दा करते थे है? सब जेठ के सामने पर्दा करते थे, अभी जेठ को देख करके उसने पर्दा कर लिया। बोले स्त्री स्त्रियों का बात, पुरुष लोगों को क्या बोल कर क्या लाभ है। कृष्ण को सर के ऊपर में कपड़े से ढक लिया, बोले पीछे दरवाजा से दिखा दूंगी। उनने पीछे दरवाजा से घूम करके आए और आ करके आवाज लगी, बोले मैया यशोदे। मैया बोले क्या बात है, बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों से मैंने पकड़ करके लाया। लेकिन उसी समय मैया यशोदा कृष्ण को थपथप लगा करके सुला रही थी, बोले किसको लेकर के आई, लाला तो घर में सो रहा है, बोले लाई किसको, लेकर के आई किसको। मैया यशोदा निकली, बोले क्या बात है, बोले तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों से पकड़ करके लाई है। बोले लगता है बहान की बोला जाता खा ली हो, अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना लाला को पकड़ कर। बोले मेरे लाला कैसे, वो इतने बड़े घूंघट उतार ली थी ना, और बच्चे के ऊपर में कपड़े से ढक दी थी, कृष्ण तो भगवान है हैं, वो तो है को नहीं, नहीं को है कर सकते। इतने में कृष्ण खुद बन गए, उसका बेटा बन गए, बेटा जब बन गए, जब घूंघट निकाली कपड़ा को उठाया ना, देखा अपना ही बेटा। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, इतने में कृष्ण आंखों को मलते मलते अंदर से आए, बोले देख तुम, बोले मैया तुमने देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, दिन भर में घर ही रहता हूँ, और ये झूठ मुठका मेरे नाम पर शिकायत करती है, अगर ये झूठ मुठका करेगा ना मैं कल से सतमु से जाऊंगा। वो तो गोपी अक्के बक्के चक्की हो गई, बोली ये क्या हो गया,
ये तो दरवाजा था तो कृष्ण था, लेकिन ये कपड़ा ढकते ही बदले कैसे गया? उसकी माँ ने उसको बेटा को पूछा, बेटा तू कैसे आया? बोले तू तो मेरे को घर से मेरे को पकड़ कर लाई। बोले तेरे को? मैं तो कृष्ण को लाई। बोले ना, तू तो मेरे को लाई। मैया ने डांट लगाई, बोले खबरदार कभी ऐसे तुम मेरे नाम बच्चे का नाम पर इल्जाम नहीं मत लगाना है। तो अपना बेटे को ला कर बोले मेरे बेटा से घर बेटा घर छोड़ कर कहीं जाता ही नहीं। वो इतने शर्मिंदा में पड़ गई। वो तो आश्चर्यचकित हो गई। जब अरे जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आए। बोले क्यों गोपी, क्या बात है? मैंने तेरे कितने पाम पड़ा, कितने तेरे खसम की, तेरे जेज की, तेरे ननद की, सबको पाम पड़ा, लेकिन तुम्हें छोड़ा नहीं ना। देखा आज तेरे बेटे को ही मैंने चोर बना दिया। भविष्य में अभी कभी दो बार लाओगे ना तेरे खसम को चोर बना, तेरे पति को चोर बना दूंगा। गोपी बोली कन्हैया तू जीत गया, मैं हार गई हूँ और कभी तेरे से मैं नहीं लाऊंगी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब हम शुद्ध हरि नाम करेंगे ना, ऐसे ही कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला हृदय में प्रकट होगा। जब ऐसे ऐसे लीला को दर्शन कर सकते भक्त दर्शन करते हुए हा 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 कर हंसने लग जाते। बोले कभी कभी रोने लग जाते। बोले क्यों? बोले जब फिर कृष्ण हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं फिर वो रोने लग जाते हैं कृष्ण विरह में। कभी कभी नाचना लग जाते। बोले क्यों नाचते हैं? जब कृष्ण विरह होता है दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण देखता है भैया लगता है मेरे विरह में प्राण त्याग दे देगा। कृष्ण फिर जब दर्शन देते हैं ना, बस फिर तो नाचना शुरू कर देता है। जैसे अपने बैंक में आपकी 1 करोड़ रुपया था, लेकिन आपने सुना बैंक फेल हो गया, क्या करोगे? रोना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर फिर पता चला ना नहीं हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या करोगे? फिर नाचना शुरू कर दोगे, मेरे पैसा मिल जाएगी। फिर तो उसी तरह फिर जब कृष्ण दर्शन होता है मृत रहते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जमीन पर लौट पर खाते हैं कहते लोकवाद्य। लोकवाद्य मतलब कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसको कोई रुख्यप नहीं रहता है। उसी समय में इसी संसार में रहते हुए भी वो ठाकुर जी की जगत में रहते हैं। वो ठाकुर जी की जगत में क्योंकि संपूर्ण रूप में प्रभु को लीला दर्शन करते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे बेसई पागल बोलिया अंगे ते देवे कहो हमारे पागल समझ करके उनको ऊपर में धूल झोंक रहे थे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले हे प्रभु हमें केवल आपकी जो बाल गोपाल स्वरूप है हम चाहते हैं हमारे हृदय में आपका वो बाल गोपाल स्वरूप प्रकट हो, आपको निहारते रहो दर्शन करते रहो, बस हमें नहीं चाहिए। आज हम लोग जाके कहाँ जाओगे? दस रुपया ले चलना उस तरफ में दे देना। हमारा बैल बन जाओ प्रत्येक के 10 टका कर देता है।